मध्य प्रदेश के कुछ गांव हैं जहां गांव का गांव ये 700 बीज मंत्र उसका पाठ करता है। ओलावृष्टि हुई, प्राकृतिक आपदा आई, आसपास के गांव में काफी विनाश हुआ फसलों का, लेकिन उस गांव के अंदर जो है फसल एकदम सलामत रही और जो शिव योग की साधना करते हुए खेती करते हैं उनके खेतों में उन्होंने ना तो कोई रासायनिक खाद डाली, ना ही पेस्टिसाइड का छिड़काव किया, लेकिन उनकी फसल 2 से 8 गुना पैदा हुई और फसल खराब नहीं होती। ये वैज्ञानिक प्रमाणित हो चुकी है, क्योंकि जो भी सनातन की मैं बात करता हूं, मैं मेडिकल डॉक्टर्स को बोलता हूं रिसर्च करो, अपने शरीर के ऊपर रिसर्च करो कि जो शब्द हैं, ये मंत्र हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये जो साधना है, जो शिव योग की कॉस्मिक शक्ति है, जो शक्तिपात के द्वारा मैं सभी साधकों के अंदर स्थापित करता हूं, उसका प्रभाव क्या है, जो शिव योग कुंडलिनी ध्यान है, जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर उठाते हैं तो उसके शारीरिक रूप से क्या परिवर्तन होते हैं, मानसिक रूप से उसके अंदर क्या परिवर्तन आता है, सांसारिक रूप से क्या परिवर्तन आता है। उसी के साथ साथ जो किसानों को शिव योग कृषि की दीक्षा दी है, ये सनातन का ही अंग है शिव योग। तो जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं उन सबका आह्वान किया कि आप स्टडी करो आकर के, बीज, धरती, धरती की सॉइल टेस्टिंग करिए और 21 दिन में देखो क्या परिवर्तन होता है। और रिजल्ट ये आए कि धरती जो बंजर होती जा रही थी, माइंडलेस पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के छिड़काव से 21 दिन में वो पुनः जीवित हो गई। जहां केचुए अर्थवर्म पूरी तरह से मर गए थे, 21 दिन में वो पूरी धरती दोबारा से केचुओं से भर गई, वर्मी कल्चर हो गया और मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई और जो पॉइजनस आर्सेनिक या और सब सब्सटेंस थे उनकी मात्रा काफी कम हो गई। एक आश्चर्य का विषय था वैज्ञानिकों के लिए, नहीं तो और किसी को अपनी खेत की मिट्टी सुधारनी हो तो हजारों ट्रक अच्छी मिट्टी के अपने ऊपर खेत में डालेंगे तो होगा, या मिनरल्स डालेंगे, जिप्सम डालेंगे, यहां कुछ भी नहीं डाला। वो ब्रह्मांड की ऊर्जा जो कि शिव योगियों ने पौराणिक समय में साधना करके जो प्राप्त करी थी, वही किसान को शक्ति दे दी कि तुम डालो अपने खेत में आधा घंटा रोज। जल का स्तर भी ऊपर उठना शुरू हो गया, जो पानी के अंदर केमिकल्स थे वो मीठा निर्मल होना शुरू हो गया। तो विश्व के वैज्ञानिकों के लिए, मेडिकल डॉक्टर्स के लिए एक बड़ा आश्चर्यजनक और स्टडी करने योग्य
वो हुआ कि इसको किया जाए और सब जगह सफलता मिल रही है। साधारण रूप से सनातन की दीक्षा लो, उसको जीवन में उतारो तो जीवन बदल ही जाता है।